बेनिफिट देता है तो को बेनिफिट रिसीव करता है, ठीक है। तो हर अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होगा डेबिट तो एक होगा क्रेडिट। लेकिन कैसे हम जाने किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, कैसे हम जाने किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें? तो इसीलिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं। पहला, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर, या फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का बना है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मैंने कल आपको पर्सनल और रियल दोनों के बारे में थोड़ा बताया, आज मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताऊंगा, तो इससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान दिमाग में एक्सरसाइज करनी है, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, कौन से दो पहलू वो निकालो, उन दोनों का नेचर ऑफ अकाउंट जानो, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल रियल क्या नॉमिनल, उस नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से रूल में जाओ और रूल में जो भी उसमें एप्लीकेबल होगा उस रूल को अप्लाई करके आप जानो कि वो डेबिट है क्या क्रेडिट है, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं आपको ट्रांजेक्शन दूंगा उसके दो पहलू देने हैं, जैसे कि मैंने मैंने गुड्स खरीदी किए कैश में, मैंने गुड्स खरीदी किए कैश में, परचेसेस नॉमिनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आई क्या गई जब मैंने गुड्स खरीदी किए, तो कैश आई क्या गई जब मैंने गुड्स खरीदी के, तो कैश आई क्या गई, गई तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश को मैं डेबिट मारूं क्या क्रेडिट, कम ऑन टेल मी, कैश को मैं क्रेडिट मारूंगा, बचा हुआ डेफिनेटली डेबिट आएगा परचेसेस। लेकिन मैंने नॉमिनल अभी तक आपको सिखाया नहीं है, मैं अभी आपको नॉमिनल सिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से आपको नॉमिनल सिखा रहा हूँ। सुनो, अगर आपका कोई खर्चा है या आपका अगर लॉस है, तो हम करेंगे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आप कोई खर्चा इनकर कर रहे हो या फिर लॉस कोई इनकर कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपने कोई इनकम कमाई है, या फिर आपने कोई कोई गेन कर लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है, तो उसको मारेंगे हम क्रेडिट, विच मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बताओ मुझे बच्चा लोग, जब मैं परचेस कर रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, मैं गुड्स मंगा रहा हूं, तो परचेसेस मेरा खर्चा क्या इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल खर्चा, तो बोलो परचेसेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बताओ मेरा परचेसेस अकाउंट को मैं डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट, बताओ मैं परचेसेस को डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट, डेबिट, ठीक है। अब सुनो उल्टा होने वाला है, ध्यान से। पहले क्या किया मैंने, परचेज गुड्स फॉर कैश, आप लिख सकते हो, चलो लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। टू एस्पेक्ट्स, परचेसेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलो मैं लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो, चलो मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा के देता हूँ आपको, सुनो, देखो, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अभी, परचेस गुड्स फॉर कैश। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, परचेस गुड्स फॉर कैश। टू एस्पेक्ट्स, सॉल्यूशन, टू एस्पेक्ट्स बताओ, टू एस्पेक्ट्स क्या है, परचेसेस एंड कैश। देखो मैं अभी आपको अच्छे से दिखा रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे वो भी समझ जाएगा आपको, मैं ग्रेड लाइन हटा देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, टू एस्पेक्ट्स क्या क्या है, चलो टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, आपके टू एस्पेक्ट्स क्या क्या है। पहला है
पहला है परचेसेस और दूसरा है कैश, दूसरा है कैश। ठीक है, आपका नेचर ऑफ अकाउंट बोलो, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है बताओ, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है आपका बताओ, नेचर ऑफ अकाउंट है आपका परचेसेस, मेरा नॉमिनल अकाउंट है, परचेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। ओके, रूल क्या है, रूल, रूल क्या है बताओ, रूल, रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपको जगह नहीं रहेंगी तो बाजू बाजू में लिखा या ऐसा ही एक साथ लिखा तो भी चलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पहले एक बार दिखा देता हूं आपको, फिर एक साथ करो, मैं दिखा देता हूं आपको, फिर एक साथ करो, ठीक है। टू एस्पेक्ट्स, नेचर ऑफ अकाउंट, रूल, ओके, और फिर आपको यहाँ पे रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, लिख के लो ये वाला भी, एक दो ट्रांजैक्शन को ऐसे मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, फिर बाद में आप तो माहिर हो जाओगे, आप उसके बाद माहिर हो जाओगे। तो बोलो विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, बताओ इसको हम डेबिट करेंगे क्रेडिट, डेबिट करेंगे क्रेडिट, वो बताओ, ये सॉरी डेबिट या क्रेडिट, तो हम करेंगे डेबिट इसको क्योंकि ये मेरा खर्चा है, क्रेडिट इसको। ठीक है, डी आर डॉट और सी आर डॉट मतलब शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट का, डी आर डॉट और सी आर डॉट ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट का, डी आर डॉट और सी आर डॉट शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बना के दे दिया है, आपको कैसा लिखना है लिख के लो, नेचर ऑफ अकाउंट, रूल, डेबिट और क्रेडिट। पैसे आए क्या गए, यहाँ पे गए, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हो परचेसेस इज एन एक्सपेंस, परचेसेस इज एक्सपेंस, परचेसेस इज एक्सपेंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डेबिट किया और इसको हमने क्रेडिट किया। ठीक है, ओके, ये दो चार के लिए हम ऐसे करवाऊंगा मैं आपको दो चार बार, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। ठीक है, ऐसे दो चार बार दिखाऊंगा, लिखाऊंगा, फिर आप एक बार आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा आपको। ठीक है, रूल लिखना कंपलसरी नहीं होता है बेटा, लेकिन आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हो ना सीखने का, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो आपके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए बोला तीन चार बार हमें ना फटाक से, तीन चार बार हम लिखेंगे अच्छे से पांच छह ट्रांजेक्शन के लिए, फिर आपने रूल नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ गया डेबिट किसको क्रेडिट किसको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, जानबूझकर, आपके आपके दिमाग में प्रैक्टिस बैठ जाए, हाथ में प्रैक्टिस बैठ जाए इसीलिए। ठीक है, लिख के हो गया सबका, तो मैं आगे का रूल लू, आगे का मैं लू, चलो अब मैं आपको बोलता हूँ नंबर टू, अब मैं आपको बोलता हूँ नंबर टू, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बताओ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ऊपर का लिख के हुआ है कि नहीं अब तक, ले लो, आप जूम कर सकते हो, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलो आप ही बताओ, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप ही बताओ कौन से दो एस्पेक्ट होंगे, बताओ कौन से दो एस्पेक्ट होंगे, बताओ यस कौन से दो एस्पेक्ट होंगे, बताओ गुड्स को बेचा मैंने, दो एस्पेक्ट बताओ, दो पहलू बताओ, कम ऑन, सब एक जन, सब एक ही जन आंसर दे रहा है, नहीं नहीं बेटा ये ए कौन है, बेटा ये ए कौन है, ऐसे नाम से नहीं आने का बेटा, ऐसे अगर नाम से आते हो तो मैं निकाल दूंगा, ये कौन है, ये ए कौन है, जल्दी मुझे चैट पे जवाब दो, हु इज दिस ए, मैं निकाल दूंगा ग्रुप में से, हु इज दिस ए, अंजलि, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है, यस बताओ कौन सा एस्पेक्ट है, बताओ कौन से एस्पेक्ट होंगे, मैंने गुड्स बेचा कैश में, मैंने गुड्स बेचा कैश में, पहला है सेल्स और दूसरा है कैश, या पहला है सेल्स दूसरा है कैश, चलो ठीक है, पहला है सेल्स दूसरा है कैश, क्या सेल्स क्या है मेरा नॉमिनल अकाउंट है, हाँ या नहीं, सेल मेरा नॉमिनल अकाउंट है, हाँ या नहीं, यस, कैश मेरा क्या है रियल अकाउंट, हाँ या नहीं, सही, रूल वही रहेंगे, रूल वही रहेंगे, तो अभी बताओ सेल मेरी इनकम क्या मेरा खर्चा, सेल मेरा इनकम क्या मेरा खर्चा, बताओ एवरीवन, सेल मेरी इनकम है क्या मेरा खर्चा है, सेल मेरा इनकम है क्या खर्चा है, कम ऑन टेल मी एवरीवन, सिर्फ एक ही जन जवाब दे रहा है,
सेल मेरा इनकम है क्या खर्चा है, मेरा सेल से मेरी आमदनी क्रिएट होगी क्या खर्चा होगा, इनकम होगा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेल इज इनकम, सेल इज इनकम, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेल इज इनकम। तो बताओ मैं सेल को डेबिट करूंगा क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बताओ मैं सेल को क्या करूं, क्रेडिट करूं, तो मैं लिखूंगा इसको क्रेडिट, सी आर डॉट मतलब क्रेडिट। चलो आपके लिए मैं पूरा लिखता हूं, मे भी आपको कभी कोई स्क्रीन में समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा है, मैं आपके लिए पूरा लिखता हूं क्रेडिट, ठीक है, मैं शॉर्टकट नहीं लिख रहा हूं आपके लिए बस, ठीक है, मैं आपके लिए फुल फॉर्म लिखता हूं, फाइन, क्रेडिट एंड क्रेडिट, ठीक है। कैश, सेल किया तो कैश आई क्या गई, सेल किया तो कैश आई क्या गई, जब आप कोई सेल करते हो तो आपके पास पैसे मिलते हैं क्या, आप देते हो पैसे, मिलते हैं क्या, देते हो आप पैसे, मिलते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश को क्या करूं मैं, कैश को क्या करूं, कैश कम्स इन डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, कैश कम्स इन बताओ डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, डेबिट करूं, ठीक है, यस, समझा अभी बच्चा लोग, समझा ये क्या है, अब समझा ये क्या है, यस, यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना नहीं रह गया, मैं डालना डाल देता हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, तो 10,000 गए पैसे, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज सपोज 15,000, ठीक है, 15,000 आए गुड्स बेचे, फाइन, ओके बेटा, क्लियर, ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड, ठीक है, लेट मी सी कौन जवाब देता है, लेट मी सी कौन जवाब देता है, थर्ड, हाँ, सैलरी पेड रुपीज 3,000, सैलरी पेड 3,000, बताओ एवरीवन, चलो दो पहलू बताओ, चलो सैलरी पेड 3,000, दो पहलू बताओ, कम ऑन टेल मी, दो पहलू बताओ, सैलरी एंड कैश, क्या बात है बच्चा लोग, जो जवाब दे रहे हो यार, मेरा दिल गार्डन हो गया बाबा, हाँ, यस एवरीवन एब्सोल्युटली राइट यार, सैलरी एंड कैश, सैलरी क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, कैश क्या है, मेरा रियल अकाउंट है, बोलो सैलरी खर्चा है क्या इनकम, दुकानदार के नजरिए से बोलना यार, दुकानदार के नजरिए से बोलना, तुम दुकानदार हो यार, काम करने वालों नहीं हो, सैलरी आपके लिए खर्चा है क्या इनकम, खर्चा है क्या इनकम, तो बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी को डेबिट करूं क्या क्रेडिट, बोलो सैलरी को डेबिट करूं क्या क्रेडिट, सैलरी को डेबिट करूं क्या नहीं डेबिट, सैलरी मेरा खर्चा है बेटा, अदिति आपके पास आदमी है, आदमी लोगों को आपने पगार दी बेटा, आपको अपने आप को कंसिडर नहीं करना है, आप काम कर रहे हो, आप दुकानदार हो, सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो मैं क्या करूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं करूंगा डेबिट, ठीक है। कैश जब आप दोगे तो कैश जाएगी क्या आएगी, जब आप किसी को सैलरी दोगे तो कैश आएगी क्या जाएगी, कैश आएगी क्या जाएगी, जाएगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट क्या कैश कम्स इन, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो बताओ डेबिट करोगे कि क्रेडिट, क्रेडिट, लिखो एवरीवन, आपका अगर ऊपर का भी लिखना रहेगा तो लिखो, मैं थोड़ा शायद से फास्ट चला गया, मैं रुकूंगा अभी, नहीं मैं रुकूंगा एक मिनट के लिए, चलो लिखो मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा, तुमको लिखना ही है, अदिति बेटा नो प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमेशा लगता है, हाँ बेटा नो प्रॉब्लम, हाँ मैं हूं ना बेटा, अभी तो बहुत शुरुआत की है हमने, हम यहाँ पे 200 ट्रांजेक्शन करने वाले, 200 नहीं 500 ट्रांजेक्शन करने वाले हम, 500, यस वी विल बी डूइंग 500 ट्रांजेक्शन, इतना फास्ट नहीं करने वाला हूं मैं, ऐसे तीन चार दिखा के क्लोज नहीं करने वाला हूं मैं, प्रैक्टिस बहुत होने वाली है, 500 इलस्ट्रेशन देखेंगे हम, 500, यस बहुत देखने वाले हैं, टेंशन मत लो, यस आगे चलो आप ही बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चलो कौन मुझे पहला ट्रांजेक्शन बताता था आपके हिसाब से, कोई भी ट्रांजेक्शन बताओ, चलो
आपके हिसाब से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बॉट कार, क्या बात है, संदेश को कार लेने की है, चलो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, एक आ गया अभी, नेक्स्ट बाद में, इसके बाद में संदेश बोल रहा है सर बॉट मोटर कार, बॉट परचेस्ड मोटर कार या बॉट मोटर कार, बॉट मोटर कार ऑफ रुपीज 5 लाख इन कैश क्या इन चेक, संदेश तू ही कंप्लीट कर बेटा, इन कैश क्या इन चेक बेटा तू ही बता, संदेश कैश में, ओके नो प्रॉब्लम, कैश में हमने 5 लाख की कार गाड़ी खरीदी, 5 लाख की, ठीक है संदेश, 5 लाख से सहमत होगा ना तू कार, नहीं सर 5 लाख में कितनी कौन सी आती है, 8 लाख तो डालो ना सर, स्विफ्ट तो ले लेना एटलीस्ट, हम स्विफ्ट हैचबैक तो ले लेना, 84 लाख हो गई, माय गॉड 84 लाख की कार लेगा क्या संदेश तू, नहीं 8 लाख थे, 8 लाख सर थोड़ा सा, हम चादर उतनी ही फैलानी जितने हमारे पैर होते हैं सर, है ना, क्या पैर उतने ही फैलाने जितनी चादर है, क्या है वो मुहावरा क्या है, चादर उतनी फैलानी जितने हमारे पैर है, क्या जितने हमारे पैर है उतने ही हमारे को चादर फैलानी है, क्या है पहले चादर है क्या पहले पैर है, मालूम नहीं आपने को, चलो ठीक है पहले पैर ओके मर्सिडीज, अरे यार संदेश, संदेश तो बोल रहा है सर 50 लाख की मर्सिडीज, नहीं बेटा बस हम जमीन पे रहे यार हम, ठीक है बॉट मोटर कार 8 लाख रुपए इन कैश, बताओ आपके पास क्या आया, गुड्स आए क्या मोटर कार आए, बताओ दो पहलू बताओ कम ऑन टेल मी, बॉट मोटर कार इन कैश, दो पहलू बताओ कार एंड कैश, एब्सोल्युटली राइट कार एंड कैश, तो हम पहला लेंगे कार, पहला लेंगे हम मोटर कार, मोटर कार और दूसरा है कैश, मोटर कार क्या है आपकी बताओ, मोटर कार क्या है आपकी, पर्सनल रियल क्या नॉमिनल, मोटर कार आपकी एसेट है क्या नहीं है बताओ, प्रॉपर्टी है क्या नहीं है, यस रियल अकाउंट, तो दोनों रियल अकाउंट है, सुनो यहाँ पे अब दोनों रियल अकाउंट है एवरीवन, दोनों रियल अकाउंट है, तो अभी मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, दोनों रूल एक साथ डाल दूंगा मैं, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे मोटर कार आई क्या पैसे आए, यहाँ पे आपके घर में मोटर कार आई क्या पैसे आए बताओ, मोटर कार आई तो व्हाट कम्स इन बताओ, कैश कम्स इन या मोटर कार कम्स इन बताओ, मोटर कार कम्स इन बट व्हाट गोज आउट एंड व्हाट गोज आउट कम ऑन टेल मी, व्हाट गोज आउट, मोटर कार कम्स इन देन व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, मोटर कार आई कैश गई, बताओ किसको डेबिट करूं बताओ, मोटर कार को डेबिट करूं कैश को डेबिट करूं बताओ, किसको डेबिट करूं, मोटर कार को डेबिट करूं और कैश को क्या करूं मैं, क्रेडिट करूंगा, क्यों, कार आई तो इसलिए डेबिट कार को, कैश गया तो इसलिए हम क्रेडिट कैश को, क्लियर हाँ या नहीं, प्लीज एवरीवन टेल मी, आई होप एवरीवन इज बीन अलाइंड बाय नाउ, अगर आपको ये चारों सम में से कहीं पर भी एक भी सम में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, मैं आपको वापस रिवाइज कराऊंगा, इस चारों में से कहां दिक्कत है बताओ, इस चारों में से कहां दिक्कत है बताओ, आप मुझे प्लीज मैसेज करो, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो सर, हाँ बेटा हाँ मानसवी आऊंगा बेटा मैं, अभी तक ये फोर्थ मानसवी फोर्थ को वापस एक्सप्लेन करो, रोशन बेटा सुन तेरे तिजोरी में है ना 10 लाख रुपए पड़े हैं, रोशन तेरे तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है पप्पा ने बोला ये ले 8 लाख रुपए और जा एक कार खरीद के आ, ये ले 8 लाख रुपए जा कार खरीद के लेके आ, तो तेरे तिजोरी में से 8 लाख रुपए कम होंगे क्या नहीं होंगे बता, तेरे पप्पा के तिजोरी में से 8 लाख रुपए कम होंगे क्या नहीं होंगे बताओ, यस रोशन वर्मा, रोशन तेरे तिजोरी में से 8 लाख रुपए कम होंगे क्या नहीं होंगे, हाँ या नहीं बता, तेरे तिजोरी में से हाँ, और उसके बदले घर में क्या आएगी, उसके बदले घर में क्या आएगी बता, घर में क्या आएगी, 8 लाख रुपए अगर माइनस हो गए तो घर में क्या आ जाएगी बेटा बता, कार आ जाएगी, तो व्हाट कम्स इन इनटू योर बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है कार आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार आ रही है पैसे जा रहे हैं, कार आ रही है पैसे जा रहे हैं ठीक है, तो कार आ रही है तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कार को डेबिट करेंगे, पैसे जा रहे हैं हमारे हाथ से तो हम क्रेडिट करेंगे पैसे को, दैट इज कैश को, समझा क्या नहीं रोशन, रोशन समझा, क्योंकि दोनों मेरे रियल अकाउंट है, कार भी मेरा एसेट है, कैश भी मेरा एसेट है, कार भी मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है सर, कैश खर्च हुई तो भी रियल अकाउंट ही आएगा, हाँ कैश अकाउंट इज अ रियल नेचर ऑफ अकाउंट ना, ओके कैश तो नेचर है ना, नेचर ऑफ अकाउंट रियल ही है ना, 8 लाख का मेरे पास 10 लाख का एसेट था ना मेरे पास, ठीक है ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कम ऑन 1 2 3 कौन बता रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई एम वेटिंग नाउ, मैं पहले का नहीं रेफर करूंगा, अभी देखूंगा मैं चैट पे कौन डाल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बाबू राव 5000, चलो आगे 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 रुको अभी रुको
रुको, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बाबूराव, ए मी बाबूराव बोलते, कौन सा बाबूराव बोलते ना, मी काय बोलते बाबा, बाबूराव, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बाबूराव बाबूराव ऑफ रुपीज 5000। बताओ एवरीवन, दो एस्पेक्ट, मैंने गुड्स बाबूराव को बेचे क्रेडिट में बेचे, मैंने गुड्स बाबूराव को बेचे क्रेडिट में बेचे, दो एस्पेक्ट बताओ, चलो दो एस्पेक्ट बताओ, दो पहलू बताओ। पार्थ लाहौटी सही बेटा, पार्थ लाहौटी सही बेटा, दो दो एस्पेक्ट बताओ, कौन से दो अकाउंट खोलूंगा। दिनेश यू आर राइट बेटा, दिनेश यू आर राइट। ऋषिका थोड़ा सा गड़बड़ है, अदिति थोड़ा सा गड़बड़ है, राज यू आर राइट बेटा, रिद्धि यू आर राइट, नेहा नारंग आधा आंसर दिया राइट, खुश कशिश यू आर राइट। दो एस्पेक्ट बताओ बेटा, मैं नेचर ऑफ अकाउंट नहीं पूछ रहा हूँ संदेश। मानसी थोड़ा सा गड़बड़ है, सिद्धांत यू आर राइट, खुशबू थोड़ा सा गड़बड़ है, सिद्धि यू आर राइट, नेहा नारंग बेटा गलत, अंजलि थोड़ा सा गड़बड़ है, नेहा नारंग थोड़ा सा गड़बड़ है, मिताली के हर्ष यू आर राइट, समीक्षा यू आर राइट, गौतम यू आर राइट, अदिति नाउ यू आर राइट, मानसवी यू आर राइट, ऊपर में किसी को भूल गया शायद से, मानसवी यू आर राइट बेटा, ऋषिका नहीं बेटा, ऋषिका यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, बेटा कैश कैसे बेटा, ऋषिका ऋषिका ललवानी कैश कैसे, क्रेडिट में दिया है ना, उधार पे दिया है, उधार पे दिया तो कैश कैसे आएगा बेटा, बेटा ऋषिका समझ में आ रहा है। शशांक बेटा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, रिद्धेश यू आर राइट, मैंने आपको 10 बार बताया, तन्वी यू आर राइट बेटा, मैंने आपको 10 बार बताया कि नहीं, सुनो ध्यान से, वापस एक बार पढ़ा रहा हूँ, सुनो टेंशन मत लो, अंजलि यू आर राइट, सुनो ध्यान से, सुनो प्लीज, अभी बस चैट नहीं बस बेटा, चैट नहीं बेटा से, अंजलि यू आर राइट, नेहा नारंग यू आर राइट, ओके ठीक है। हाँ सुनो, मैंने आपको समझाया है ना, गुड्स के 5 कैटेगरीज होते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेसेस, जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स, ठीक है, जब हम खरीदी हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न, जब सेल किए हुए गुड्स रिटर्न आते हैं तो सेल्स रिटर्न, और फिफ्थ कैटेगरी तो सबको मालूम है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब मुझे ये बताओ, मैंने इस ट्रांजेक्शन में गुड्स को क्या किया है, बेचा है क्या खरीदा है, इस गुड्स को क्या किया है मैंने, बेचा है क्या खरीदा है बताओ पहले, बेचा है क्या खरीदा है बताओ पहले, बेचा है, तो जब हम बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। तो आपको पहला बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स, क्रेडिट अकाउंट नहीं बेटा, क्रेडिट नहीं, या गुड्स अकाउंट भी नहीं, आप बहुत जनों ने मुझे गुड्स अकाउंट बोले हैं, गुड्स नहीं बेटा, अभी गुड्स को मारो गोली, अभी गुड्स को मारो गोली, गुड्स नहीं, मैं आपको अभी जानबूझकर यहाँ पे गुड्स लिखवा रहा हूँ और फिर मैं इसको कट करूंगा अभी, आप भी एक बार कट करोगे ना तो आप जिंदगी भर कभी भी करोगे नहीं है, ठीक है, अब कभी भी वो गड़बड़ करोगे नहीं अभी, ठीक है, मैं अभी इसको कट करूंगा आपको यहाँ से आपके आंखों के सामने, ठीक है, इसको मैं कट करूंगा और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपने ये कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, ये देखो मैं ये स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, अब कभी भी ये गुड्स नहीं डालोगे आप, ठीक है, तो कभी भी आप मुझे गुड्स नहीं बोलोगे, जब आपने गुड्स को खरीदी किया है तो उसको बोलोगे परचेसेस, जब बेच रहे हो तो उसको बोलेंगे आप सेल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या आपने कैश में बेचा ये गुड्स, नहीं, क्रेडिट में बेचा, तो बताओ बाबूराव को भाव दूं या नहीं दूं, बाबूराव को भाव दूं या नहीं दूं, कम ऑन टेल मी, बाबूराव को भाव दूं या नहीं दूं, कम ऑन, यस यस दूं, तो मैं बाबूराव का अकाउंट बनाऊं, मी बाबूराव बोलते, यस बाबूराव का अकाउंट मैं खोलूंगा, बाबूराव अकाउंट और सेल्स अकाउंट। बताओ मुझे सेल्स क्या है, पर्सनल, रियल, क्या नॉमिनल, मैंने आपको बोला था गुड्स के 5 कैटेगरी होते हैं और ये पांचों के पांचों कैटेगरी क्या कहलाए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट, यस गुड्स मेरा, सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है। बाबूराव कौन है, पर्सनल, रियल, क्या नॉमिनल, बाबूराव पर्सनल, रियल, क्या नॉमिनल, कम ऑन टेल मी, पर्सनल, रियल, क्या नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, बाबूराव एक इंसान का नाम है तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, यस एवरीवन। नॉमिनल अकाउंट का बताओ, नॉमिनल अकाउंट का बताओ रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। अब बताओ मुझे डेबिट क्रेडिट क्या आएगा, बताओ, सेल हुआ तो मेरा इनकम क्या, मेरा एक्सपेंस, बताओ, सेल हुआ तो मेरा इनकम क्या, एक्सपेंस, सेल हुआ
तो मेरा बताओ सेल हुआ तो मेरा इनकम क्या एक्सपेंस, इनकम तो इनकम में क्या है डेबिट क्या क्रेडिट, इनकम में क्या है डेबिट क्या क्रेडिट, बताओ इनकम क्या है तो डेबिट क्या क्रेडिट, डेबिट क्या क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट है ना बेटा कशेश, ए कशेश बेटा, इनकम है, इनकम को डेबिट आता है क्या क्रेडिट आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरा, मैंने सेल किया तो मैंने इनकम कमाया, इनकम कमाया तो मैं क्या डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट, अब बताओ सब मिलके, मैंने स्लोली पूछा आपको, अब बताओ मैं डेबिट मारूंगा क्रेडिट, क्रेडिट मारूंगा मैं, क्योंकि सेल इज माय इनकम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ चुपचाप वो लिखो, प्लीज कंटाणा मत करो लिखने की, आपको हर चीज लिखनी है जो मैं लिखा रहा हूँ, हर चीज लिखनी है। आप अगर हर चीज लिखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे, शॉर्टकट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, शॉर्टकट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, प्लीज शॉर्टकट मत करो। सेल इज एन इनकम, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड। बाबू राव को गुड्स मिले, बाबू राव को गुड्स मिले, बाबू राव इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, बाबू राव इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, हेंस डेबिट द रिसीवर, बाबू राव विल बी डेबिटेड, बाबू राव विल बी डेबिटेड, बाबू राव इज रिसीवर ऑफ गुड्स, बाबू राव इज रिसीवर ऑफ गुड्स। या फिर आपको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूं मैं। मैंने आपको और एक रूल बताया पर्सनल अकाउंट का, क्या बताया बताओ मुझे चैट में, बताओ मुझे चैट में, मैंने आपको लिखवाया था कल, कल बताओ, कल मैंने बताओ, यस 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 मैंने कल चैट में लिख के बताओ मुझे। चलो एवरीवन, क्या था और एक रूल, क्या था वो और एक रूल बताओ। यस, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। तो बताओ जब हम गुड्स क्रेडिट में बेचते हैं किसी को तो सामने वाला मेरा डेटर हो जाता है कि क्रेडिटर। मैं जब गुड्स बेचता हूँ किसी को, मैं अगर किसी को गुड्स बेचता हूँ तो सामने वाला मेरा डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है, मेरा सामने वाला पर्सन डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है, डेटर होता है, डेटर मतलब जिससे मुझे पैसे, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, डेटर होता है वो। तो डेटर अगर हुआ तो बताओ डेबिट द डेटर, मतलब बोला अगर बाबूराव डेटर है तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा क्रेडिट। अब बताओ मुझे अगर बाबूराव मेरा डेटर है तो बताओ मैं डेबिट करूंगा क्रेडिट, डेबिट ही करूंगा। ठीक है, दोनों रूल से आपका सेम आंसर आया, दोनों रूल से सेम आंसर आया, आया नहीं, समझा के नहीं। सेल्स मेरा इनकम है बेटा मानसवी, सेल्स मेरा इनकम है ना, आपने ना आपने गुड्स बेचा, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, आपने गुड्स बेचा तो है ना, आपका वो इनकम जनरेट हुआ है ना। जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूध वाला जो है रोज आपके पास दूध देते देके जाता है 2 लीटर का, आप उसको पैसे देते हो नहीं देते हो, लेकिन वो क्या सेल कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा बताओ मुझे मानसवी। मानसवी आपके पास रोज 2 लीटर दूध देने आता है आपका दूध वाला, तो बताओ वो दूध वाले को आप इमीडिएटली पैसे देते हो नहीं, लेकिन क्या दूध वाला वो 2 लीटर लिखेगा क्या कि उसने आपको दिए हुए हैं, क्या वो बताएगा कि उसका सेल हुआ है क्या नहीं हुआ है, कम ऑन टेल मी मानसवी, मानसवी आर यू देयर, मानसवी आर यू देयर। हाँ वो सेल कंसिडर करेगा, तो आपने उसको पैसे दिए नहीं दिए, नहीं भी दिए तो भी क्या वो सेल नहीं कंसीडर करेगा, सेल तो कंसीडर करेगा ना। तो बताओ दूध वाले की वो उस दिन की 2 लीटर की कमाई हुई या नहीं हुई, पैसे नहीं मिले लेकिन इनकम कमाया क्या नहीं कमाया उसने, इनकम कमाया क्या नहीं कमाया, इनकम कमाया। बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, एक ना एक दिन ये लक्ष्मी जरूर आएगी आपके पास, एक ना एक दिन ये लक्ष्मी जरूर आएगी आपके पास बच्चा लोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ओके ओके, लक्ष्मी आज है कल है परसों रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, तो इसलिए कर्म करके जाओ फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो इसलिए इनकम मिलेगा आपको, इनकम ही होगा लेकिन पैसे नहीं मिले, पैसे क्या है कभी ना कभी तो मिलेंगे ना आपको पैसे। ठीक है, बोलेंगे ना आप अंदर से ऑल इज वेल, पैसे जरूर मिलेंगे बच्चा। ओके हाँ, काबिल बनो काबिल, एक बार जो आप अगर काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे भागेगी। ठीक है, बाबा रणछोड़ दास ने कहा था, बरोबर हाँ यही कहा था ना बाबा रणछोड़ दास ने, इंसान काबिल बनो काबिल। ठीक है, तो आप खर्चा करते नहीं, आप इनकम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है ओके, तो बोलो यूडी बाबा की, बोलो 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 यूडी बाबा की जय। ठीक है हाँ ओके थैंक यू, तो ये कर्म करते जाओ, यस एब्सोल्युटली राइट। हाँ बाबा आ गए आ गए आ गए, इसी को हम एक्रुअल बेसिस बोलते हैं। सुनो ये जो चीज मैंने आपको बोली ना, इसी को हम एक्रुअल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्रुअल, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम एक्रुअल।
मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सबके नामकरण देने वाला हूं मैं। इसको बोलते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके, आगे आ जाएगा उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हु इज गिविंग मी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कम ऑन टेल मी, हु इज गिविंग मी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कम ऑन, कौन दे रहा है मुझे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कौन दे रहा है, चलो क्या बात है सर, ऐसे क्लासेस चल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन ही बच्चे दे रहे हैं, क्या बात है यार, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। ए यार पार्थ लाहोटी, इतना डिफिकल्ट अभी नहीं यार, पार्थ लाहोटी इतना डिफिकल्ट नहीं, सिद्धांत भोगावत का ले लेता हूं मैं, सिद्धांत भोगावत का ले लेता हूं मैं, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000, मुझे 10,000 की कमीशन मिली, बताओ दो एस्पेक्ट। ए पार्थ लाहोटी, मैं तू बहुत महापुरुष कैटेगरी में रहो, मैं तेरा नहीं अभी लेने वाला हूँ, कमीशन एंड कैश, एब्सोल्युटली राइट, कमीशन मिली कैश मिला, ठीक है, कमीशन मैंने कमाया और उसके बदले मुझे कैश मिला, मुझे कैश मिला इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। कमीशन क्या है मेरा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बताओ कमीशन मेरा इनकम है क्या मेरा खर्चा है, बताओ एवरीवन, कमीशन इज माय इनकम क्या खर्चा, इनकम, तो बताओ मैं कमीशन को डेबिट मारू क्या क्रेडिट, क्रेडिट मारोगे तो मैं क्रेडिट, पैसे आए क्या गए बताओ, और कैश अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है सबको मालूम है। अब मैं बहुत ही बच्चों जैसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ सर, आप बहुत ही बच्चों जैसे पढ़ाते हो, प्लीज अभी बंद करो जितना बच्चों जैसे पढ़ाना, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे आए मेरे पास, कैश कम्स इन, तो बताओ कैश को मैं डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, सर डेबिट करो, एब्सोल्युटली राइट, ओके, यस बच्चा लोग समझा। हमारे पास 4 मिनट और बचे हुए हैं, एक और ट्रांजेक्शन हो जाए चलो एक और एक ट्रांजेक्शन हो जाए, कौन आ रहा है मुझे, चलो बता रहा हूँ कौन, यस कौन दे रहा है मुझे ट्रांजेक्शन, चलो यस कम ऑन टेल मी, हु इज गिविंग मी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जल्दी दो, जाने का है क्या तुमको, अरे नहीं यार कोई दे ही नहीं रहा है मुझे ट्रांजेक्शन, विड्रॉन 5,000 नहीं बेटा सिद्धांत, अरे यार पार्थ लाहोटी इतने डिफिकल्ट क्यों लेके आ रहा है तू, ना को अभी नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं, हाँ ये वाला अच्छा है। टुक लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन लिया फ्रेंड से, एक फ्रेंड का नाम भी बता दे बेटा, फ्रेंड का नाम भी बता दे, हाँ फ्रेंड का नाम भी बता दे यार, चलो टुक लोन फ्रॉम फ्रेंड, क्या नाम ले हम फ्रेंड का, यूडी सर, चलो अच्छा ओके, नहीं यूडी सर नको, चलो रुको, टुक लोन फ्रॉम अनन्या पांडे से लोन लिया हमने ऑफ रुपीज 1,00,000, हाँ 1,00,000 का अनन्या पांडे से लोन लिया हमने, ठीक है, कितने खुश हो गए सब अनन्या पांडे सुनने के बाद, देखो कमीनो, हाँ इतने ज्यादा खुश हो गए हो, हाँ हाँ इतने ज्यादा कोई खुश होता है क्या, हाँ ये देखो कमीने सबके सब, वो अनन्या पांडे ही है ना उसका नाम, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई थी, है ना वही ना, जो चंकी पांडे की बेटी, अनन्या नाम है उसका, अनन्या ही नाम है ना, हाया नहीं वो तो बोलो ना यार, अरे दिशा पटनी कमीनो, हाँ हाँ लूंगा हर्ष दीवानी तेरा, दिशा पटनी भी लूंगा मैं, ठीक है, गाना गाएगी वो तेरे लिए, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, हर्ष दीवानी एकदम शर्मा रहा है, इला हर्ष दीवानी, हाँ स्ट्रगलर है वो स्ट्रगलर, तो बताओ आपको लोन मिला, आपको अनन्या पांडे से लोन लिया, तो बताओ आपके पास क्या आएगा, आपने किसी से लोन मांगा तो आपके पास क्या आएगा बताओ, आपके पास क्या आएगा हाथ में, कैश आएगी, यस कैश, तो क्या ये आपको अनन्या पांडे को वापस देने पड़ेंगे पैसे, क्या ये आपको पैसे अनन्या पांडे को वापस देने पड़ेंगे, हाँ या नहीं, यस, तो दूसरा अकाउंट बनेगा अनन्या एपी लोन लिख देता हूं मैं, एपी लोन अकाउंट, ठीक है, एपी लोन मतलब अनन्या पांडे लोन अकाउंट, कैश क्या है मेरा पर्सनल रियल क्या नॉमिनल, कैश पर्सनल रियल क्या नॉमिनल, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कम्स इन
यस एपी लोन क्या है एपी लोन अनन्या पांडे का लोन क्या है पर्सनल रियल के नॉमिनल अनन्या पांडे का लोन क्या है पर्सनल रियल के नॉमिनल पर्सनल अनन्या पांडे एक इंसान का नाम है अनन्या पांडे एक इंसान का नाम है ओके पर्सनल तो बताओ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अनन्या ने पैसे दिए क्या लिए अनन्या ने पैसे दिए क्या लिए बताओ अनन्या ने पैसे लिए क्या दिए अनन्या ने पैसे दिए क्या लिए दिए तो बताओ वो रिसीवर हो गई क्या गिवर हो गई रिसीवर हो गई क्या गिवर हो गई बताओ रिसीवर हो गई क्या गिवर हो गई तो अगर गिवर हो गई तो डेबिट करोगे क्रेडिट गिवर अगर हो गई तो डेबिट करोगे क्रेडिट बताओ एपी इज गिवर क्रेडिट दूसरा चीज ये बच्चा लोग मैंने आपको हर पहलू के सुनो बच्चा लोग हर पहलू के मैंने आपको दोनों तरफ एक्सप्लेन किया मैंने दोनों तरफ सपोज आपको एक तरफ का भी आंसर आ गया बरोबर तो दूसरा आप क्या करते हो मुझे मालूम है अगर आपका एक आंसर रेडी आ गया डेबिट तो दूसरा आप क्रेडिट करोगे अगर क्रेडिट आपको ध्यान में आ जाएगा तो आप डेबिट करते हो आना होशियार हो ना तुम इसमें तुम होशियार हो ना लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें दोनों एस्पेक्ट पढ़ाई मैंने आपको ये सारी चीजें दोनों एस्पेक्ट पढ़ाई ठीक है लेकिन वो शॉर्टकट नहीं करने का डेबिट आ गया तो क्रेडिट वो होगा ऐसा नहीं ठीक है ओके चलो अभी मैं आज के लिए बस इतना ही मैं आपको है ना मैं आपको एक 10-12 ट्रांजेक्शन आज भेज देता हूँ ऐसे ही आप सॉल्व करना ठीक है ओके चलो बाय बाय एवरीवन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सबको मैं अनम्यूट की राइट दे देता हूँ ठीक है बाय बाय सी यू एवरीवन टेक केयर बाय सर बाय सर सर सी यू थैंक यू सर वेलकम बेटा बाय 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 बेटा सी यू टेक केयर बाय 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 सर बाय एवरीवन सी यू थैंक यू कार्तिक सो मच थैंक यू बाय बाय निर्लज्जो क्या करते हो यार मत किया करो ऐसे हाँ ठीक है बाय बाय